आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे अधीक्षक बैतूल। देर रात मुल्तानी शहर पहुंची, जहां शहर के गणमान्य नागरिकों से औचक वार्ता की। इस दौरान आगामी त्योहारों में किन समस्याओं का सामना आम लोगों को करना पड़ता है, इस पर विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के दौरान संजय अग्रवाल द्वारा त्योहार के देर दिन अत्यधिक भीड़ होने व मार्केट में यातायात व्यवस्था दुरुस्त बनाने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक बल से टीम मांग की गई है। मुल्तानी शहर में होने वाले साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एवं साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने हेतु थाने में साइबर सेल बनाए जाने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखा गया। आगामी त्योहारों को सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग किया जाएगा। सभी प्रकार के असामाजिक तत्वों पर पुलिस नजर बनाए हुए है। मुल्तानी शहर के नागरिकों द्वारा सराफा बाजार में संचालित रामलीला के महत्व से परिचय कराया। उपरोक्त भ्रमण के दौरान एडिशनल SP नीरज सोनी, SDOP मुल्तानी नम्रता सोंधिया, TI मुल्तानी सुनील नाटा, रक्षित निरीक्षक मनोरमा बघेल एवं रक्षित केंद्र बैतूल से आए जवानों का बल उपस्थित रहा। प्रमुख रूप से जो आगामी आने वाले त्यौहार हैं, कल से जैसे धनतेरस का पर्व शुरू है और दीपावली अगले दिन है, तो इसमें बाज़ारों में भी काफ़ी चहल पहल रहती है और लोग अधिकतर खरीदारी करने के लिए निकलते हैं। इसमें महिलाओं की संख्या बहुत रहती है, तो इसी के सिलसिले में आज लोगों से भी फीडबैक लेना था कि किस प्रकार की यहाँ समस्या आती है, ताकि और सुचारू व्यवस्था पुलिस की लगाई जा सके। तो लोगों से सजेशन हमको मिला है कि कुछ ट्रैफिक का बल यहाँ पे अतिरिक्त दिया जाए, जो कि हम कल बैतूल से भिजवाएंगे, और विशेष पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, हैवी ट्रैफिक को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, ताकि जो महिलाएं और दूर दराज के लोग आते हैं, काफ़ी गाँव से भी लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही दीपावली में भी कई बार लोग जो हैं वो अनावश्यक शराब वगैरह पी के घूमना और इस तरीके का, तो ब्रेथ एनालाइजर से भी हम लोग जो शराब पी के वाहन चला रहे हैं उन पे भी हम लोग चेकिंग वगैरह लगाएंगे, और जो रूटीन पुलिस की चेकिंग होती है उसको देखने के लिए आ जाएंगे।